गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 91। बैंकिंग 91 में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे डेली की एक करेंट अफेयर्स लेके आता हूँ आपके लिए। आज हम 23 मई की करेंट अफेयर्स की बात करेंगे। ये मेरी डेली वीडियो या तो 12 से 1 के बीच में कभी भी आ सकती है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, और लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए मेरी वीडियो को। तो यहाँ पे टॉप 20 करेंट अफेयर्स की बात करते हैं 23 मई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ नेशनल से लेंगे। पहले नेशनल होंगी, फिर ऑबिचरीज वगैरह होंगी, और फिर डेज होंगे, ऐसे पूरा रहेगा। तो सबसे पहली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। 1 करोड़ ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड अंडर पीएमजेएवाई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पीएमजेएवाई क्रिएटेड वेबिनार लॉन्च आस्क आयुष्मान एंड हॉस्पिटल इन डैशबोर्ड हर्षवर्धन। ये जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, जो हर्षवर्धन साहब, इन्होंने बताया कि इनका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, उन्होंने 1 करोड़ ट्रीटमेंट का मार्क पार कर लिया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये काफ़ी पहले की मतलब लॉन्च हुई थी ये वाली आपकी ये पूरा योजना, और इसके तहत ये 1 करोड़ मार्क क्रॉस हो गया है। इन्होंने ये लॉन्च भी किया है आस्क आयुष्मान चैटबॉट। ये एक व्हाट्सएप पे चैटबॉट है। चैटबॉट वो होता है जिससे आप मैसेज करते हैं और रिप्लाई अपने आप आ जाता है, कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है इसमें। हॉस्पिटल रैंकिंग डैशबोर्ड, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आशीष कुमार चौबे हैं, और जिन्होंने वेबिनार में प्रेजेंट थे। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात कर लेते हैं। जो यूनियन मिनिस्टर उनकी हर्षवर्धन, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चांदनी चौक दिल्ली है, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट अश्विनी कुमार चौबे है, उनकी बक्सार बिहार है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है टेक्सटाइल कमीशन्स को लेके, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को लेके। टेक्सटाइल कमीशन नेम्ड 9th, टेक्सटाइल कमेटी ने क्या किया है, 9 अप्रूव लेबोरेटरी जो हैं उनको वो किया है, रिवील किया है, जिनके टेस्ट से सर्टिफाइड पीपी बॉडी ओवरऑल इनका टेस्ट आराम से हो सकता है। डेवलप्ड फुली इंडिजीनियस डिज़ाइन पीपी टेस्टिंग इक्विपमेंट, जिन्होंने इन लेबोरेटरीज को अप्रूवल मिली है सारी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए और टेस्ट करने के लिए। तो टेक्सटाइल मिनिस्टर में हम पहले स्टैटिक फैक्ट की बात कर लेते हैं। टेक्सटाइल स्टैटिक फैक्ट बात कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी और टेक्सटाइल कमेटी सेक्रेटरी हैं अजीत चौहान। द टेक्सटाइल कमेटी, अब न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, हैज टेस्टिंग इक्विपमेंट नेमली सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट। ये जो है, इन्होंने पूरा इक्विपमेंट एक टेस्ट करने के लिए ये पूरा एक नेम दिया है उसको। ये सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई हैं, ये आप वैसे पढ़ सकते हैं। ये सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है इंडिया जो है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है पीपीई किट का, और विद इन 2 मंथ्स, जो मेन बात है, विद इन 2 मंथ्स में, जो भी तो 2 महीने को लॉकडाउन रहा था उसके तहत यहाँ पे पीपीई किट की प्रोडक्शन बहुत होने लगी है इंडिया में। सबसे पहले नंबर पर चाइना की होती है, दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। बस यही बेसिक चीज़ थी। हाँ, अब तीसरी न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह पार्टिसिपेट इन एमएसएमई ई कॉन्क्लेव, एसआईडीएम एमएसएमई कॉन्क्लेव, ये इसका नाम है, एसआईडीएम एमएसएमई कॉन्क्लेव 2020। ये कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पार्टिसिपेट्स इन एमएसएमई ई कॉन्क्लेव। ये है एसआईडीएम की फुल फॉर्म, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। SIDM की आप एक्रोनिम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो SIDM कॉन्क्लेव 2020, ये इसका नाम था। सिंपल सी न्यूज़ है। इसमें राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया, और ऑर्गेनाइज कराई गई थी बाई CII और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। थीम इसकी रही थी बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSME इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। ये एक लाइन में याद रखिएगा तो ये सारे थीम भी आ सकती है। तो CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस, इस मतलब हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट विक्रम एस किर्लोस्कर हैं। और निर्मला सीतारमण की बात कर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हुई है तो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये कर्नाटक से राज्यसभा मेंबर हैं। हेडक्वार्टर SIDM का न्यू दिल्ली है, ये हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन पार्टिसिपेट इन NAM होता है, नॉन अलाइन मूवमेंट
उनके जो हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग रही थी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सब कुछ पैंडेमिक के द्वारा लॉकडाउन पड़ा था इसलिए सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। इसमें हर्षवर्धन साहब ने पार्टिसिपेट किया था, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉन अलाइन मूवमेंट में। बस सिंपल सी बात यही है। और जो इसको चेयर किया था वो मिनिस्टर हेल्थ रिपब्लिक ऑफ वर्जिन अवर्ज अजरबैजान जो कंट्री है उसके मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने चेयरमैनशिप ली थी। इसका इनका नाम है मिस्टर ओगले शिराली। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। वन सेकेंड। गवर्नमेंट अमेंड रूल्स टू ग्लोबल टेंडर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 200 करोड़ टू बेनिफिट एमएसएमई। एमएसएमई के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी जा रही हैं। जो 20 लाख करोड़ का टू पूरा पैकेज आया था इंडिया के लिए, इंडिया की इकनॉमी के लिए, तो उसमें से 3 लाख करोड़ के तो जिसमें से 3 लाख करोड़ के तो सिर्फ आपको एमएसएमई को दिया गया था, वो आपके पहले दिन अनाउंस किया गया था। ग्लोबल टेंडर्स इसमें न्यूज़ में देख लेते हैं, टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़ फॉर बेनिफिट। पहला न्यू पॉइंट देख लेते हैं, इंडियन एमएसएमई एंड अदर कंपनीज हैव ऑफन फेस्ड अनफेयर कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉरन कंपनीज। एमएसएमई के बारे में पूरी बात करी गई है, जो अनफेयर कंपटीशन होता है फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, उनकी एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए ये सब टेंडर्स लिए जाते हैं। तो टेंडर ये गवर्नमेंट ने रूल्स इसमें अमेंड किए हैं, जिसके 200 करोड़ का टेंडर था। इसमें ग्लोबल टेंडर्स विल बी डिसअलाउड इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर। जो 200 करोड़ तक के होते हैं वो गवर्नमेंट टेंडर डिसअलाउ करती है, एक्चुअल में किसी और को अलाउड नहीं होता है टेंडर पास करने का, तो गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो यही सब लिखा हुआ है इसमें, ये आप पढ़ लीजिएगा, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 200 करोड़ भी आप याद मत रखिए। वैसे तो एमएसएमई के लिए किया है, बस इतना ही पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट नहीं पूछेंगे, अमाउंट वो क्वेश्चन में भले ही डाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल एक्चुअल में पीएम मोदी ने जो अपनी स्पीच दी थी, अभी लास्ट स्पीच हुई थी आज की डेट से, जो लास्ट स्पीच हुई थी उन्होंने बोला था आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, तो उसी के लिए ये न्यूज़ है। खादी मास्क बनाए जा रहे हैं टू एक्सपोर्ट इन फॉरेन मार्केट। जो एक्सपोर्ट हमारा खादी मार्केट का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा एक प्रोजेक्ट, इसका जो फॉरेन मार्केट में है इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए ये बात करी गई है। तो लोकल खादी मार्केट ग्लोबली फाइनेंशियल फॉरेन मार्केट्स में भेजे जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज इन्होंने बैन हटा दिया एक्सपोर्ट ऑफ नॉन मेडिकल पे, पहले बैन लग गया था पेंडेमिक के चक्कर में। तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये KVIC है, इसने डेवलप किया है डबल लेयर कॉटन मास्क, ट्रिपल लेयर सिल्क फेस मास्क। तो ये भी मतलब एक्सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है। कॉटन एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर, सिल्क इज इलेक्ट्रोस्टैटिक बैरियर। KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, इसकी बात कर लेते हैं। चेयरमैन इसके विनय कुमार सक्सेना है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। कल काफ़ी मतलब May 20 को कैबिनेट ने काफ़ी सारी चीज़ें अप्रूव करी थी, तो मेरा वो मिस हो गया था उस वीडियो में, अब वो मेरी वीडियो चेक कर लेना, 21 मई से जो शुरुआत हुई है उसकी वीडियो चेक कर लेना, तो वो मेरे उसमें मिस हो गया था, मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। तो कैबिनेट ने काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस दी हैं, जिसमें से एक रिलैक्सेशन ये PCGS टाइमलाइन, ये आप पढ़ लीजिएगा अपने आप। कैबिनेट अप्रूव 10,000 करोड़ फॉर FME, जो स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए 10,000 करोड़ दिए हैं। और ये मैंने ऊपर वाली PCGS बताई आपको, इसमें रिलैक्सेशन दी है। प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना को 2023 तक 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ये भी अप्रूव। ये सारे एक एक लाइन में वन लाइनर के तरीके से आप याद रखिएगा। मत्स्य संपद योजना ये 20 इतने अप्रूव करे हैं, ये इसमें इतने किए हैं, ये आप यह सब कुछ पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए बैंकिंग फाइनेंस की बात कर लेते हैं। बैंकिंग फाइनेंस में आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, जो कि शक्तिकांत दास हैं जो RBI के गवर्नर हैं उनके द्वारा करी जाती है, उन्हें रिलीज़ करी जाती है, ये को चेयर करते हैं इसको। तो RBI ने ये मॉनेटरी पॉलिसी दी है मुंबई महाराष्ट्र में, 3 डे की मीट रही थी ये वर्चुअल मीट। इसकी जो हाईलाइट्स है वो हम नीचे देखते हैं। इसके जो हाईलाइट्स मेन हाईलाइट्स हैं वो ये हैं कि जो रेपो रेट है, पॉलिसी रेपो रेट, उसको 4.0 कर दिया गया है। पहले 4.4% थी, 0.40 से घटा दिया गया है, तो 40 बेसिस पॉइंट होता है 0.40, उसको से हटा दिया गया है, तो रेपो रेट 4.4 से 4.0 हो गई है।
लोन्स का मेमोरेंडम 3 महीने तक एक्सटेंड कर दिया है, अप्रैल 2020 तक, अगस्त 2020 तक सॉरी। इन्होंने एस्टिमेट किया है कि इंडिया की GDP नेगेटिव रह सकती है, RBI ने एस्टिमेट किया है। एग्जिम बैंक को 15,000 करोड़ की आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। लाइन ऑफ क्रेडिट होता है कि अलग अलग तरीके से इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है। और एक्सपोर्ट क्रेडिट इंक्रीज किया है 15 महीने से 12 महीने। ये सब चीज़ें SIDBI के बारे में है, और ये सब चीज़ें ये सब किया है। RBI के बारे में स्टडी फाइव बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक अनाउंसेस $160 बिलियन असिस्टेंस टू 100 कंट्रीज़। इसमें 100 कंट्रीज़ को मैं जो जो कंट्रीज़ हैं उनको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद नंबर याद रखिएगा। 100 कंट्रीज़ को $160 बिलियन दिए हैं। किसने दिए हैं? वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं, ये याद रखिएगा। और स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। वाशिंगटन US में इसका हेडक्वार्टर्स है। मोटो इसका वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। प्रेसिडेंट इसके डेविड मलपास हैं, जो कि हमारे US से आते हैं। अब इकोनॉमी के बारे में थोड़ी न्यूज़ देख लेते हैं। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एंड NTPC, ये इन दोनों ने साइन किया MOU टू जॉइंट वेंचर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए इन दोनों ने MOU साइन किया है, ONGC ने NTPC ने। बस यही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। कितने का साइन हुआ है उसकी कोई अमाउंट अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो इन दोनों ने बस साइन किया है, ONGC ने और आपका NTPC ने, ONGC ने और NTPC ने। इन दोनों के स्टैटिक फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इसने इसके MD पीछे में ONGC के CMD शशि शंकर हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। एक और एग्रीमेंट IRCON IRCON और RZD इंटरनेशनल, इन्होंने किया है एग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज के जॉइंट डेवलपमेंट के लिए और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। कहाँ पे? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में। IRCON की स्टडी फैक्ट देख लीजिए। न्यू दिल्ली में CMD SK चतुर्वेदी हैं, और RZD का हेडक्वार्टर मॉस्को रशिया में, और डायरेक्टर जनरल सर्जी स्टॉलीरोव हैं। चलिए अब कुछ एक्विजिशंस की बात कर लेते हैं। वन सेकेंड। हाँ, जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी डेवलपमेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने अप्रूव किया यूनियन बैंक टू कंटिन्यू 30% होल्डिंग इन इंडियाज़ फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। एक्चुअल में क्या है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के पास के जो 30% होल्डिंग है वो यूनियन बैंक के पास थी, तो उन्होंने फाइनली अप्रूव कर दी है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, बेसिक लाइन है 30% होल्डिंग ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। IDI के बारे में बात कर लीजिए। IRDAI के बारे में, हेडक्वार्टर हैदराबाद में, चेयरमैन सुभाष कुंटिया हैं। चलिए एक और एक्विजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक KKR कंपनी है, KKR एक कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं है, KKR एक US प्राइवेट इक्विटी जाइंट है, जिन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स के 2.232% शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं, जो कि 11.367 करोड़ के बैठते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी सारी कंपनीज़ को अपना स्टेक अलग अलग तरीके से बेचा हुआ है, जैसे फेसबुक को बेचा था, सिल्वर लेक को बेचा था कुछ परसेंट, और कुछ परसेंट इसको बेचा था, अलग अलग परसेंट का 4-5 कंपनियों को बेच दिया है। इस सब को बेच के इन्होंने इतने करोड़ रुपए का बेच दिया है, KKR को 20 करोड़ रुपए का बेचा है। ये 5th डील हुई है जो जियो की सिंस 22 अप्रैल। तो रिलायंस की बात कर लेते हैं। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, CMD मुकेश अंबानी है। और KKR के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि US प्राइवेट फर्म कंपनी है। इसके MD हैं रुपेन जावेरी, जो इंडियन जो इसकी यूनिट है उसके, और को चेयर और को CEO हैं जॉर्ज रॉबर्ट्स। एयरटेल और एक और एक्विजिशन की बात कर लेते हैं। इसके बाद एक और है, 4 एक्विजिशन है टोटल न्यूज़। एयरटेल एक्वायर 10% स्टेक इन वॉइस जेन। ये क्या है? कॉन्वर्जेशनल AI सेटअप की कंपनी है। तो इन्होंने, भारतीय एयरटेल ने 10% शेयर्स खरीदे हैं वॉइस जेन के। बस इतनी सी बात है इसमें। भारतीय एयरटेल के स्टैटिक फैक्ट आप याद कर लीजिए। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने अप्रूव किया 100% एक्विजिशन ऑफ इमानी सीमेंट, नोवोको एक विस्टास कंपनी लिमिटेड एंड नोवोको विस्टास कंपनी कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने इमानी सीमेंट के 100% एक्वायर कर लिया है। ये अप्रूव किसने किया है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया 100% एक्विजिशन इमानी का खरीदा है। किसने खरीदा है? नोवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। कितने में? 5500 करोड़ में।
इसके स्टैटिक फैक्ट दे लेते हैं एनवीसीएल के, वो महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है, चेयरमैन हिरेन पटेल है। और इमानी कॉरपोरेशन लिमिटेड के बात कर लेते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस इसका कोलकाता है, होल टाइम डायरेक्टर विवेक चावला है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। आईआईटी गुवाहाटी के बारे में बात करते हैं, डिस्कवर्स मेथड्स टू प्रिवेंट मेमोरी लॉस। जो एल्जाइमर एक डिजीज़ है, एल्जाइमर से मेमोरी लॉस होता है, इसलिए जो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या डिस्कवरी मेथड्स हैं उसके लिए एक इन्होंने मेथड निकाला है जिससे हमारा इससे बचा जा सकता है, मेमोरी लॉस से बचा जा सकता है, जो एल्जाइमर से मेमोरी लॉस होता है। तो इसका डेवलप किया है आईआईटी गुवाहाटी ने, आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर प्रोफेसर टीजी सीतारामन, डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर डिप्टी डायरेक्टर हैं प्रोफेसर पीएस रॉबी, और ये 1994 में आईआईटी गुवाहाटी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एक और न्यूज़ है साइंस से रिलेटेड, रेयर पाम अंडमानस पिनंगा एंड अंडमानिसिस, ये इसका नाम याद रख लीजिएगा, रीप्लांटेड एट केरला, GNTBGRI, ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें जो है एक रियल पाम ग्रो किया गया है, ये इसका नाम है, केरला में है, और बस इसी के बारे में यही चीज़ है। ये जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम, इसका लोकेशन त्रिवनंतपुरम केरला में, डायरेक्टर आर प्रकाश कुमार हैं। चलिए बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, एक बुक है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के नाम से, रस्किन बॉन्ड ऑथर हैं, इसका ये बुक का नाम याद रखिएगा, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन प्लेन। एक्चुअली में इन्होंने बोट ट्रेन प्लेन की तीनों यात्राएं अच्छी तरह करी हुई है, उनको एक्सपीरियंस करा हुआ है, इसलिए इन्होंने उनके ऊपर बुक लिखी है। इन्होंने अपनी 86 बर्थडे, रस्किन बॉन्ड ने ऑथर हैं, ये नाम आप याद रखिएगा। चलिए अब डेज के बारे में बात कर लेते हैं, 22 मई हम कल की अगर बात कर लेते हैं, 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। इसका थीम आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर है, एक लाइन में की वन लाइनर न्यूज़ है। इसके ये यूनाइटेड नेशंस बनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस के स्टैटिक फैक्ट देख लीजिए, न्यूयॉर्क सिटी यूएस, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस। एक ही डे की बात करेंगे आज हम, आज की हम लास्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, फेसबुक एक्वायर्स पॉपुलर GIF डाटाबेस गिफी। गिफी एक डाटाबेस है जिसको एक्वायर किया है कम्प्लीटली फेसबुक ने, फेसबुक हैज़ एक्वायर्ड न्यूयॉर्क बेस्ड GIF गिफी फॉर $400 मिलियन। ये अमाउंट आप याद रखिएगा, वो किसने एक्वायर किया, फेसबुक ने, और किसको एक्वायर किया है, गिफी को, टू इंटीग्रेट इट GIF लाइब्रेरी इनटू इंस्टाग्राम एंड अदर फेसबुक ऐप्स, ये सब इसके लिए किया है। चलिए आज की न्यूज़ यहीं पे ख़त्म होती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों यारों से भी शेयर कर सकते हैं, ये मेरा एक नया इनिशिएटिव है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरी वीडियो को। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, थैंक यू।